भारत में 160 केंद्र हैं। इनमें 5.5 लाख से अधिक लोगों ने बेसिक योग कोर्स पूरा किया है। उन्होंने सन 1983 में योग विद्या गुरुकुल की स्थापना की। डॉक्टर मंडलिक ने योग पर कई किताबें लिखी हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनका योगदान सराहनीय है। वर्ष 2018 में संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए द योग इंस्टीट्यूट मुंबई की ओर से डॉक्टर हमसा जी योगेंद्र जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वामी योगेंद्र जी ने सन 1918 में द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज मुंबई में स्थापित किया। इस संस्थान ने अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को योग के लिए प्रेरित किया है। संस्थान ने 55,000 से ज्यादा योग शिक्षक तैयार किए हैं और 50 से ज्यादा प्रकाशन किए हैं। संस्थान ने NCERT द्वारा स्कूलों में योग पाठ्यक्रम तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संस्थान का योग के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2019 में व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए स्वामी राजर्षि मुनि जी की ओर से डॉक्टर दिनेश अमीन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वामी राजर्षि मुनि लिम्बड़ी गुजरात के योग साधक हैं। इन्होंने सन 1971 में स्वामी कृपालवानंद जी से दीक्षा ली। आज ये स्वामी लकुलीश द्वारा स्थापित आध्यात्मिक परंपरा के गुरु हैं। योग के प्रचार प्रसार एवं जन कल्याण के कार्यों के लिए इन्होंने सन 1993 में लकुलीश इंटरनेशनल फेलोशिप एनलाइटनमेंट मिशन आरंभ किया। इन्होंने योगिक दर्शन, योग चिकित्सा एवं नवधा भक्ति पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। स्वामी जी लकुलीश योगा यूनिवर्सिटी के आध्यात्मिक प्रमुख तथा अध्यक्ष भी हैं। And for the individual institutional category for the year 2000.